जी हाँ स्टूडेंट्स, स्पेशल स्टूडेंट्स की डिमांड पर आज के इस वीडियो लेसन में आपके लिए लेकर आया हूं मैं कुछ इंटरेस्टिंग पेसी वॉइस। जी हाँ, आज मैं आपको बताने वाला हूं मे हैव, माइट हैव, वुड हैव, शुड हैव, कुड हैव की पेसी वॉइस। स्पेशली स्टूडेंट्स की डिमांड पर ये वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूं क्योंकि स्टूडेंट्स को चाह रहे थे कि सर बहुत ज्यादा इसमें कंफ्यूजन होता है। तो स्टूडेंट्स आज के सेशन में ये जितने भी कंफ्यूजन है आपके सारे दूर करने वाला हूं, बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से सारी चीजें बताने वाला हूं। साथ ही जिन स्टूडेंट्स को अभी तक हमारा पीडीएफ नहीं मिला है, आप प्लीज हमारे व्हाट्सएप नंबर जो है उससे जुड़ जाए ताकि आपको हम वहां से हमारा जो पीडीएफ है वो दे देंगे। चलिए सेशन को हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नाउ डियर स्टूडेंट्स, बोर्ड पर आप देख सकते हैं ये लिखे हैं एक्टिव वॉइस और इधर आपके लिखे हुए हैं पेसिव वॉइस। अब हम बात करते हैं सबसे पहले एक्टिव वॉइस की। तो एक्टिव वॉइस में आज मैं आपको बताने वाला हूं विल हैव, मे हैव, माइट हैव, शुड हैव, वुड हैव, should have, must have, would have and could have. And here you can see will have से बना आपका will have been, may have से बना आपका might have been, might have से बना है आपका might have been, may have से बना may have been, should have been, might have से might have been, would have से would have been and could have से could have been. मतलब एक चीज दिमाग में हमारे क्लियर हो गई है कि अगर लास्ट में हैव लिखा है तो हमें पेसिव वॉइस बनाते वक्त उसके में बीन लगा देना है, बस यही कंसेप्ट है। बाकी सारा कंसेप्ट आप अच्छे से जानते हैं कि पेसिव वॉइस में आगे जो है ऑब्जेक्ट आ जाता है और एक्टिव वॉइस में आगे क्या होता है आपका सब्जेक्ट होता है, और यही सब्जेक्ट पेसिव वॉइस में आपका बाय के साथ में सेंटेंस के लास्ट में चला जाता है। स्टूडेंट्स अब मैं आपको सबसे पहले तो विल हैव के यूज बता दूं। विल हैव V3 ये आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस है जिसका उपयोग भविष्य में कोई भी काम हो चुका होगा उसके लिए करते हैं हम। जिसे मैंने कहा आपसे कल तक मैं अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर चुका होऊंगा, सो आई विल हैव, आई शैल हैव कंप्लीटेड माई प्रोजेक्ट बाय टुमारो। तो यहां पर बाय टुमारो का मतलब हो रहा है कल तक, तो कल तक मैं अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर चुका होऊंगा। दूसरी ओर जब आप इसका पेसिव बनाएंगे तो आप कहेंगे कि माई प्रोजेक्ट विल हैव बीन कंप्लीटेड बाय मी बाय टुमारो। अब आप कहेंगे सर दो बार बाय क्यों आया, तो एक है बाय टुमारो मतलब कल तक और दूसरा है बाय मी मतलब मेरे द्वारा। तो बाय के दो मतलब होते हैं स्टूडेंट्स, तक भी होता है दूसरा के द्वारा भी होता है। ये बाय प्रीपोजिशन दो मीनिंग देता है आपका। चलिए तो उम्मीद करता हूं आपको विल हैव समझ में आया होगा और ये विल हैव बीन का आपका पेसिव वॉइस हो गया जो कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। मेन जो कि स्टूडेंट्स को ज्यादा कंफ्यूजिंग लगते हैं वो मे हैव, माइट हैव लगते हैं, तो बताता हूं मैं आपको इनके बारे में भी। देखिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मे हैव के बारे में कि मे हैव आपका किस तरीके से वर्क करता है। देखिए हम लोग मे हैव की बात करें तो सबसे पहले एक चीज दिमाग में क्लिक अप कर ले कि जिस तरीके से आपने इसमें चुका होगा हिंदी में कहा था उसी तरीके से इसमें भी आप कहोगे चुका होगा, लिया होगा, दिया होगा। बट याद रखे स्टूडेंट्स इसका उपयोग होता है पॉसिबिलिटी में, किसी भी कार्य की पॉसिबिलिटी कर में जो है वो मैं हूं आपका यूज होता है। आप समझिएगा कैसे पॉसिबिलिटी में, जब आप किसी से कहते हो कि आपने खाना खा लिया होगा, आपने चाय पी ली होगी, वे तो चले गए होंगे, मतलब यहां पर उनके जाने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। मैं अगर आपसे कहूं कि आपने खाना खा लिया होगा, मतलब मैं यहां पर पॉसिबिलिटी शो अप कर रहा हूं कि शायद आपने खाना खा लिया होगा, तो ऐसे सिचुएशन में वहां पर मेहो लगता है। मैं ऑलरेडी मेहो माइट हैव इन पर सब पर बेस्ट वीडियो बना चुका हूं, डिटेल्ड बता चुका हूं, चूंकि आज की वीडियो का टॉपिक है हमारा पेसिव वॉइस है और ये स्टूडेंट्स की स्पेशल डिमांड पर मैं आपको बता रहा हूं। देखिए तो मेहो आपने खाना खा लिया होगा शायद, You may have eaten food. जब आप इसका पेसिव बनाएंगे स्टूडेंट्स तो इसी may have का हो जाएगा पेसिव में may have been, तो food may have been eaten by you, वही food जो यहां पर लास्ट में था वो उठकर आगे आ जाएगा। You may have eaten food, so food may have been eaten by you. कितना easy concept है, बहुत आसानी से हम इसको सीख सकते हैं। आगे मैं इसी तरीके से आपसे बोलता हूं कि she may have done her work, she may have done her work, तो work may have been done by her. How easy it is, कितना आसान है। तो ये show off कर रहा है आपकी पॉसिबिलिटी को। इसके बाद नेक्स्ट में आपको लेकर चल रहा हूं माइट हैव की ओर। तो माइट हैव जो है इसका उपयोग होता है स्टूडेंट्स लेस देन 50% पॉसिबिलिटी। जब आपकी पॉसिबिलिटी 50% से कम हो तो ऐसी सिचुएशन में वहां पर आप माइट हैव लगाते हैं। शायद ही आपने खाना खाया होगा, यू माइट हैव ईटन फूड। शायद ही वह गया होगा, ही माइट हैव गॉन। शायद ही उसने प्रोजेक्ट जमा किया होगा, ही माइट हैव सबमिटेड प्रोजेक्ट।
शायद ही आपने चाय पी होगी, यू माइट हैव टेकन टी, दैट्स ऑल. नाउ जो आप इसका पेस्यू बनाएंगे तो यही टी उठकर आगे आएगा, टी माइट हैव बीन, कम ऑन, टी माइट हैव बीन टेकन बाय यू, शायद ही आपके द्वारा चाय पी गई होगी. अब बात करते हैं इनकी हिंदी की, क्योंकि स्टूडेंट्स अक्सर ये भी पूछते हैं इसकी हिंदी क्या होगी. देखो भैया आपको बता दूं, इन हिंदी आप जब इनकी हिंदी बनाओगे तो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ा सा आपको दिक्कत आएगी, बट एक चीज दिमाग में याद रखे कि आप लोग जो है हिंदी पर ज्यादा फोकस नहीं करें, ज्यादा फोकस आपके कंसेप्ट पर होना चाहिए. खैर मैं आपको हिंदी बता देता हूं, देखिए इसमें आप कहते हो मैं खाना खा चुका हूं, तो मेरे द्वारा खाना खाया जा चुका होगा, खाया जा चुका होगा या खाया गया होगा. इसी तरीके से इसमें भी गया होगा या जा चुका होगा, लेकिन ये किसमें, पॉसिबिलिटी में. जैसे मैंने कहा शायद उसके द्वारा पढ़ाई की गई होगी, शायद उसके द्वारा सेंटेंसेस बनाए गए होंगे, शायद उसके द्वारा इंग्लिश बोली गई होगी, तो ऐसी सिचुएशन में मैं है वो विन लगेगा. लेकिन शायद ही उसके द्वारा इंग्लिश बोली गई होगी या गया होगा, शायद ही, तो ऐसी सिचुएशन में आप वहां पर लगा देते हो कि आपका Might have been. बहुत easy concept है, समझ के चलेंगे सारी चीज समझ में आ जाएंगी. जैसे मैंने कहा she might have done her work, so work might have been done by her. She might have given exam, so exam might have been given by her. हिंदी में वह exam दे चुकी होगी, शायद ही वह exam दे चुकी होगी, और शायद ही उसके द्वारा exam दी गई होगी. That's all. Now students, आप देख सकते हैं मैंने अभी आपको बताया will have, may have, might have. Next है आपका should have. अब एक चीज तो याद रखिए कि should have बना किससे, should से. Should का मतलब होता है चाहिए, और जब इसमें have लग जाता है students, तो इसका मतलब निकलता है चाहिए था. ओके, तो सबसे पहले तो आप ये चीज को दिमाग में अच्छे से याद रखें कि शुड हैव होता क्या है. शुड हैव का मतलब होता है स्टूडेंट्स चाहिए था. जैसे मैंने कहा तुम्हें इंग्लिश बोलनी चाहिए थी, यू शुड हैव स्पोकन इंग्लिश, तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए थी, यू शुड हैव हेल्प्ड हिम, राइट. लेकिन अगर आप कहते हो कि उस आपके द्वारा उसकी मदद की जानी चाहिए थी, तो ही शुड हैव बीन हेल्प्ड बाय यू, तो मदद की जानी चाहिए थी, इंग्लिश बोली जानी चाहिए थी, सेंटेंस बनाए जाने चाहिए थे. जैसे मैंने कहा तुम्हें सेंटेंस बनाने चाहिए थे, यू शुड हैव मेड सेंटेंसेस, और सेंटेंसेस बनाए जाने चाहिए थे, तो सेंटेंसेस शुड हैव बीन मेड बाय यू, आपके द्वारा सेंटेंसेस बनाए जाने चाहिए थे. तो इस तरीके से आपका जो है शुड हैव बीन यूज होता है, कोई टफ नहीं है, समझ के पढ़ोगे अपने आप हो जाएगा. लेकिन वो शुड भी अलग होता है. जैसे मैंने कहा यू शुड स्पीक इंग्लिश, आपको इंग्लिश बोलनी चाहिए, बट हियर इंग्लिश शुड बी स्पोकन बाय यू, आपके द्वारा इंग्लिश बोली जानी चाहिए, जानी चाहिए और बोलना चाहिए, और यहां पर बोलना चाहिए था, बोली जानी चाहिए थी. तो ये पास्ट की हम लोग बात कर रहे हैं. मतलब याद रखिएगा शुड हैव किस में यूज होता है स्टूडेंट्स, पास्ट में, और वो भी किसके पास्ट में यूज होता है, शुड के. शुड का मतलब चाहिए होता है, तो शुड हैव का मतलब होता है चाहिए था, आपको उसकी मदद करनी चाहिए थी, यू शुड हैव helped him, आपको लिखना चाहिए था, you should have written, आपको बोलना चाहिए था, you should have spoken, आपको sentences बनाने चाहिए थे, you should have made sentences, और आपके द्वारा sentences बनाए जाने चाहिए थे, तो sentences should have been made by you, right? कितना आसान है students, कितना easy है. अगर हम किसी concept को लेकर चल रहे हैं तो चीजें हमारे लिए बहुत ज्यादा easy और आसान हो जाती है. चलिए मैं आपको आगे लेकर चलने वाला हूं. नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स मस्ट हैव की. तो मस्ट हैव आपका कैसे वर्क करता है, अब देखो मस्ट हैव मतलब कि आप समझ ही गए होंगे कि ये कहां पर आपका यूज होता है. ही चाहिए था पहला यूज आपका, जैसे आपको वहां जाना ही चाहिए था, यू मस्ट हैव गॉन देयर, आपको यहां आना ही चाहिए था, यू मस्ट हैव कम हियर, ये पहला यूज है. मस्ट हैव के दो यूजेस है, दोनों बताऊंगा मैं अभी के अभी. So you must have gone there, आपको वहां जाना ही चाहिए था. You must have spoken English, आपको English बोलनी ही चाहिए थी. You must have made sentences, आपको sentences बनाने ही चाहिए थे. लेकिन जब आप इसे PSU में बनाएंगे तो आपके द्वारा sentences बनाए जाने ही चाहिए थे, बनाए जाने ही चाहिए थे, राइट, ये चाहिए था. तो ऐसे सिचुएशन में मस्ट हैव बीन लगेगा कि सेंटेंसेस मस्ट हैव बीन मेड बाय यू. सो डियर स्टूडेंट्स ये था आपका मस्ट हैव का पहला यूज. जब आप इसको पेशियों में बनाते हैं तो मस्ट हैव बीन हो जाता है. सेकंड यूज इसका होता है निश्चित ही होगा. अब निश्चित ही होगा कैसे, जैसे मैंने कहा निश्चित ही वह खाना खा चुका होगा, ही मस्ट हैव
eaten food. निश्चित ही उसने sentences बना लिए होंगे. He must have made sentences. मतलब जहां पर आप sure है, 100% surety को show up कर रहे हैं, तो वहां भी must have लगता है. लेकिन अगर confused है, possibility दिखा रहा हो, तो वहां लगेगा may have. अगर आप कम possibility दिखा रहे हो, बहुत ही कम, तो वहां लगेगा might have. और निश्चित ही काम हो गया होगा, तो must have. जिसे मैंने कहा, वह sentences बना चुका होगा. निश्चित ही वह सेंटेंसेस बना चुका होगा, तो ही मस्ट हैव मेड सेंटेंसेस. और यहां पर आप बोलोगे निश्चित ही उसके द्वारा सेंटेंसेस बना दिए गए होंगे. तो सेंटेंसेस मस्ट हैव बीन मेड बाय हिम. कितना इजी कंसेप्ट है स्टूडेंट्स. उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा. कोई टफ नहीं है. इट्स नॉट अ बिग डील. नाउ लेट सी नेक्स्ट. नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट है आपका वुड हैव. अब वुड हैव की अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो आप वुड हैव का मतलब समझे. इसका यूज क्या होता है. जो भी काम आपने किया होता राइट. जैसे मैंने कहा तुमने इंग्लिश बोली होती. यू वुड हैव स्पोकन इंग्लिश. यदि आप प्रैक्टिस करते तो तुमने इंग्लिश बोली होती. इफ यू हैड प्रैक्टिस यू वुड हैव स्पोकन इंग्लिश. तुम वहां गए होते यू वुड हैव गॉन देयर. तुम यहां आए होते यू वुड हैव कम हियर. तुमने उसकी मदद की होती यू वुड हैव हेल्प्ड हिम. ये देखिए यू वुड हैव हेल्प्ड हिम. तो जब आप इसके पेसिव बनाओगे तो यही हिम उठकर आगे आ जाएगा कि उसकी मदद तुम्हारे द्वारा की गई होती. ही वुड हैव बीन हेल्प्ड बाय यू. तुम्हारे द्वारा सेंटेंसेस बनाए गए होते. सेंटेंसेस वुड हैव बीन मेड बाय यू. यू वुड हैव मेड सेंटेंसेस. मतलब तुमने सेंटेंसेस बनाए होते और सेंटेंसेस तुम्हारे द्वारा बनाए गए होते तो सेंटेंसेस वुड हैव बीन मेड बाय यू. इस तरीके से स्टूडेंट्स आपका ये वर्क करता है. कोई भी चीज टफ नहीं है. अगर आप कंसेप्ट को समझ के वर्क कर रहे हो सो थिंग्स आर वेरी इजी टू लर्न. नाउ द नेक्स्ट वी हैव कुड हैव. अब कुड हैव आपका किस तरीके से यूज करता है. कुड हैव का यूज ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स को अच्छे से पता है. सकता था का मीनिंग ये देता है. जो भी काम आप पास्ट में कर सकते थे बट किसी कारणवश नहीं कर पाए तो वहां पर आप लोगों को कुड हैव यूज करना होता है. जैसे आपने कहा मैं सेंटेंसेस बना सकता था. आई कुड हैव मेड सेंटेंसेस. मैं आपकी मदद कर सकता था. आई कुड हैव हेल्प्ड यू. वे वहां जा सकते थे. दे कुड हैव गॉन देयर. वे नया कैमरा परचेस कर सकते थे. दे कुड हैव परचेस्ड. दे कुड हैव बॉट न्यू कैमरा. सो अ न्यू कैमरा कुड हैव बीन परचेस्ड बाय देम बॉट बाय देम. उनके द्वारा एक नया कैमरा खरीदा जा सकता था. तो जब आप इसे पीसी में कहेंगे तो कहेंगे आप खरीदा जा सकता था. इंग्लिश बोली जा सकती थी. मदद की होती तो मदद की गई होती. इस तरीके से आपका इसका हिंदी होता है. तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स ये सारे के सारे जितने भी आपके मोडल्स हैं इनको सभी को मैंने डिटेल्ड बताया. जिसमें आपको विल हैव मे हैव माइट हैव शुड हैव मस्ट हैव वुड हैव एंड कुड हैव के हमने प्रैक्टिकल यूजेस भी देखे साथ ही उनको पीसीयू में भी देखा. एक छोटा सा रिवीजन करवा रहा हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो. देखिए मैंने कहा वे अपना काम कंप्लीट कर चुके होंगे कल तक. तो दे विल हैव कंप्लीटेड देयर वर्क बाय टुमारो. सो देयर वर्क विल हैव बीन कंप्लीटेड बाय देम बाय टुमारो. ये आप उसका पेसिव बन गया कि देयर वर्क या वर्क विल हैव बीन कंप्लीटेड बाय देम बाय टुमारो. इसी तरीके से देखो शी मे हैव पास्ड दिस टेस्ट. वह इस टेस्ट को पास कर चुकी होगी या शायद उसने इस टेस्ट को पास कर लिया होगा. सो दिस टेस्ट मे हैव बीन पास्ड बाय हर. उसके द्वारा यह टेस्ट पास कर लिया गया होगा. पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हो. और शायद ही उसके द्वारा यह टेस्ट पास कर लिया गया होगा. तो शी माइट हैव पास्ड दिस टेस्ट. शायद ही उसके द्वारा यह टेस्ट पास किया गया होगा. दिस टेस्ट माइट हैव बीन पास्ड बाय हर. इसी तरीके से नेक्स्ट आप देखोगे कि आपको इंग्लिश बोलनी चाहिए थी. यू शुड हैव स्पोकन इंग्लिश. और आपके द्वारा इंग्लिश बोली जानी चाहिए थी. इंग्लिश शुड हैव बीन स्पोकन बाय यू. इसी तरीके से आप बोलोगे आपके द्वारा इंग्लिश बोली जानी ही चाहिए थी. आपको इंग्लिश बोलनी ही चाहिए थी. यू मस्ट हैव स्पोकन इंग्लिश. और आपके द्वारा इंग्लिश बोली जानी ही चाहिए थी. इंग्लिश मस्ट हैव बीन स्पोकन बाय यू. एंड इन द लास्ट इसी तरीके से आप वुड हैव और कुड हैव को भी बना सकते हैं. वुड हैव में आप बोलोगे यू वुड हैव डन योर वर्क. आपने अपना काम किया होता. सो योर वर्क वुड हैव बीन डन बाय यू. आपके द्वारा अपना काम किया गया होता. शी कुड हैव मेड सेंटेंसेस. वह सेंटेंसेस बना सकती थी. एंड सेंटेंसेस कुड हैव बीन मेड बाय हर. उसके द्वारा सेंटेंसेस बनाए जा सकते थे. मैंने कहा ना जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपका अच्छा परफॉर्मेंस होगा. उम्मीद करता हूं डियर स्टूडेंट्स इस वीडियो के माध्यम से आपने अपने आपको इंप्रूव किया है. अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट सब्सक्राइब कर लो. वीडियो को लाइक कर दो और फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दो. थैंक यू सो मच फ्रेंड. थैंक यू टू वॉच दिस वीडियो. थैंक यू सो मच.